गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को आगे बतलाने जा रही हूँ क्षेत्रीय दलों के उदय के पीछे कुछ विशेष कारणों को देखा जा सकता है। वह कारण कौन कौन से हैं? एक नंबर है कांग्रेस के नेतृत्व का पतन, डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस लीडरशिप, इसका डीलिंग करेंगे। 1964 में नेहरू के मृत्यु के बाद कांग्रेस के पास कोई महान नेता नहीं था। कामराज की अध्यक्षता में पार्टी काम कर रही थी। पहले लाल बहादुर शास्त्री और फिर इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया। 1975 से 77 के आपातकालीन ने कांग्रेस शासन को इतना बदनाम कर दिया कि 1977 के चुनाव में उत्तर भारत में कांग्रेस का सफाया हो गया। दूसरा नंबर है क्षेत्रीय असंतुलन या रीजनल इम्बैलेंस, इसका डीलिंग है। भारत विशाल देश है जिसके कुछ क्षेत्र बहुत संपन्न व विकसित हैं तो कुछ क्षेत्र बहुत पिछड़े हुए हैं। सत्ताधारी कांग्रेस के नेताओं ने इस ओर ध्यान नहीं दिया जिससे यह क्षेत्रीय असंतुलन अधिक तीव्र हो गया। चतुर क्षेत्रीय नेताओं ने लोगों के असंतोष को जगाया तथा उससे लाभ उठाया। यदि महाराष्ट्र में बाल ठाकरे ने नारा लगाया कि महाराष्ट्र महाराष्ट्रियों के लिए, तो असम में पी के मोहंता ने नारा लगाया कि असम असमियों के लिए। उन्होंने अपने क्षेत्र का तुरंत विकास का आश्वासन देकर लोगों को अपनी ओर आकृष्ट कर लिया। तीसरा नंबर है क्षेत्रवाद का संप्रदायवाद, जातिवाद व नस्लवाद से समागम या अलायंस ऑफ रीजनलिज्म विथ कम्युनलिज्म, कास्टलिज्म, ट्राइबलिज्म, इसका डीलिंग है। चतुर क्षेत्रीय नेताओं ने अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाने हेतु संप्रदायवाद, जातिवाद, जनजातिवाद तथा नस्लवाद के तत्वों से अपना समागम स्थापित किया। उदाहरण के लिए पंजाब में अकाली दल के उग्र तत्वों ने कहा कि सिख अलग कौम है, उनका अलग राज्य बनना चाहिए। बिहार में झारखंड मुक्ति मोर्चे ने जनजातिवाद का तत्व उभर कर जनजातियों को जगाया और अपने पृथक राज्य झारखंड की मांग उठाई। नागा लोगों ने अपनी अलग नस्ल की दुहाई दी और अपना अलग राज्य नागालैंड बनाने को आंदोलन चलाया। आगे है 1996 के चुनावों के बाद ऐसा बड़ा परिवर्तन देखने में आया कि अनेक क्षेत्रीय दल केंद्र की गठबंधन सरकार में शामिल हो गए। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल में नेशनल कॉन्फ्रेंस, अन्ना डीएमके, तेलुगु देशम और असम गण परिषद शामिल थे, तो मनमोहन सिंह के मंत्रिमंडल में सिक्किम लोकतांत्रिक फ्रंट, झारखंड मुक्ति मोर्चा, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति व द्रविड़ मुनेत्र कसगम की सहभागिता देखी जा सकती है। अब यह तथ्य निश्चित हो चुका है कि क्षेत्रीय दलों की भूमिका के बिना भारतीय राजनीति का व्यवहार परख अध्ययन नहीं किया जा सकता है। तो यह था क्षेत्रीय दलों के उदय के विशेष कारण। बच्चों, आज मैं आप लोगों को इतना ही बतला करके क्लास समाप्त करती हूँ। थैंक यू।